हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना ब्लॉगिफाई। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं सारंगपुर हनुमान मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं बोटाड जंक्शन। से सारंगपुर मंदिर की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, जाने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर कम से कम कीमत पे ठहरने के लिए होटल गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, आज हम उस ईश्वर की बात करने जा रहे हैं जिसको लोग हर गली हर चौराहे पर लोग हर मंगलवार को प्रणाम करने और दर्शन करने जरूर जाते हैं। जी हाँ, आपके और हमारे पवन सुत भगवान श्री हनुमान जी की व्याख्या करने जा रही हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पहले तो इस मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का नाम है सारंगपुर हनुमान मंदिर। यह मंदिर गुजरात के भावनगर स्थित सारंगपुर गाँव में है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जिनके बारे में बताया जाता है या यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है या श्रद्धालुओं का मानना है कि यह एक बहुत ही अनोखा हनुमान मंदिर है जिसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई जाती है, जिसमें ये कुछ बातें आपको अब मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो में ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। भगवान शनिदेव महाबली हनुमान जी के चरणों में नारी रूप में। फ्रेंड्स, अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर वह कौन सा कारण था कि शनिदेव को नारी रूप धारण करना पड़ा और महाबली हनुमान जी को चरणों में बैठना पड़ा। भारत में ऐसा मंदिर कहाँ है तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर शनिदेव प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। शनिदेव की बुरी दृष्टि से मानव देवता भी बहुत परेशान हो गए। इसके बाद सभी ने शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए महाबली हनुमान जी को याद किया और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भक्तों की गुहार पर हनुमान जी ने शनि देव को सजा देने के लिए निकल पड़े। फ्रेंड्स, जब इस बात की जानकारी शनि देव को लगी तो वो भयभीत हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी के गुस्से से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, कथाओं के अनुसार शनि देव हनुमान जी के गुस्से से बचने के लिए उपाय निकाला और नारी का रूप धारण कर लिया। सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, न ही बुरा बर्ताव करते हैं। बस यही सोचकर शनि देव ने हनुमान जी से बचने के लिए नारी का रूप धारण कर लिया और भगवान हनुमान से उनके चरणों में शरण मांग ली। हनुमान जी को इस बात की जानकारी हो गई थी कि शनि देव ही स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हनुमान जी ने शनि देव को नारी रूप में माफ कर दिया। उसके बाद शनि देव ने हनुमान जी के भक्तों पर से अपना प्रकोप हटा लिया।
पर भगवान की मूर्तियां, प्रसाद, धागे वगैरह लेने के लिए जगह जगह पर दुकानें भी उपलब्ध है। दर्शन के बाद अब हम भोजन के लिए भोजनालय की ओर चलते हैं और भोजन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर के अंदर भी ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी की काफी विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ की खास बात ये भी है कि यहाँ हर दिन भगवान श्री हनुमान जी की अलग अलग तरह से सजाया जाता है, जो कि देखने में काफी सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप यहाँ की जानकारी लेने के लिए, जिसके माध्यम से आप यहाँ की लाइव आरती देख सकते हैं।